नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी सीरीज में ही आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में ऑर्डिनेंसेस को। बहुत बार आपने सुना होगा ऑर्डिनेंसेस के बारे में। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं और ये क्यों लाए जाते हैं, कब लाए जा सकते हैं और ये इनकी वैलिडिटी क्या होती है, कब तक ये चलाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है और इसमें ये हमें देखना है कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। तो देखिए, अगर ऑर्डिनेंस की बात करें तो आर्टिकल 123 कहता है, जैसे अगर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो याद कीजिए, प्रेसिडेंट के बारे में जब हमने जाना था तो प्रेसिडेंट के बारे में ये जाना था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी कुछ लीगल पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं और लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में जो सबसे अहम पावर है वो है पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक, सबसे अहम पावर है प्रेसिडेंट की, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। और ये जो पावर ऑफ ऑर्डिनेंस है ये आर्टिकल 123 में डिफाइंड है। ये कहती है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, और ये जो सेटिस्फेक्शन की बात है ना, ये सेटिस्फेक्शन की बात पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये है, इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सेटिस्फेक्शन की बात है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेटिस्फाइड है तो उनके एड एंड एडवाइस पे, कहने का मतलब इंप्लाइड यही है, जो प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। प्रमल्गेशन का मतलब है पास करना, तब जब कोई एक या दोनों ही हाउसेस पार्लियामेंट के सेशन में ना हो। जैसे मान लीजिए राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा नहीं है, तो भी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा नहीं है, तो भी किया जा सकता है। अगर दोनों ही नहीं है तो भी पास किया जा सकता है। यानी कि अगर दोनों सेशन में होते, लोकसभा राज्यसभा दोनों, तो फिर आपका ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता था। लेकिन अगर सिंस दोनों सेशन में नहीं है या कोई एक भी सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या कहता है कि कोई भी बिल को डिस्कस किया जाएगा और उस डिस्कशन के बाद में वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद में राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर उसके बाद उसे भेजा जाएगा कहाँ? प्रेसिडेंट के पास में साइन के लिए। तो ये लीगल प्रोसीजर है। तो अब आप सोचेंगे कि जब हमारे पास में पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, फिर इस आर्टिकल की जरूरत क्या आनी पड़ी? अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिनमें इमरजेंसी का लुक ओवर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बात की जाए तो नेशन के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं, इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं। इसी को कहकर लैंड एक्विजिशन बिल की बात हुई थी, है ना? तो ये लैंड एक्विजिशन है वो एक ऑर्डिनेंस के तौर पे आया था और 4 बार इसे रिपीट किया गया। तो खैर, लैंड एक्विजिशन, उसे इमीडिएट फॉर्म ऑफ एक्शन देखा गया कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है। या मान लीजिए कल को वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो फिर पार्लियामेंट सिटिंग का तो वेट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस पास करवाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस भी एक लॉ ही है, मतलब कोई भी बिल, एक एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद वो लॉ हो जाता है, पूरे देश भर में लागू रहेगा। वैसे ही ऑर्डिनेंस भी लागू रहेगा, बशर्ते ये एक टेम्पररी है। इसका जो कैरेक्टर है वो टेम्पररी है। किसी भी एक्ट की तरह, एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। और इसकी लाइफ कब तक रहेगी? देखिए, लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 वीक्स फ्रॉम द कन्वीनिंग डेट ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं था, तो जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तो ऑर्डिनेंस को पास किया गया। अब उसके बाद में जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया। अब जब सेशन स्टार्ट हुआ तो सेशन के स्टार्ट होने के, आज शुरू हुआ तो उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको इससे रिलेटेड बिल को डिस्कस कर लेना है और डिस्कस करा के पास करा देना है, तब तो ठीक है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, ऑर्डिनेंस डेड कर जाएगा। तो यही है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनेंस का। पहला, ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव पावर है किसकी? प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 123 क्या कहता है? अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, यानी कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, तब जब कभी
कोई भी एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या दोनों ही हाउसेस सेशन में ना हो। ऐसा क्यों? ताकि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ऐसी सिचुएशंस जिनको इमीडिएट लुकओवर करने की आवश्यकता है, उनको उनके ऊपर उनके लिए लॉ बनाया जा सके, ताकि जब नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सिटिंग हो तो उसमें उसको डिस्कस करके पास करवाया जा सके। ये है। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ये टेम्पररी कैरेक्टर का है, ये नियमी लेकिन टेम्पररी कैरेक्टर का। अब जब ये नियम है, टेम्पररी कैरेक्टर का है, तो उसके बाद में जब ये हुआ 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट सेशन, मान लीजिए, अच्छा पार्लियामेंट के कन्वीनिंग का मतलब है दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउसेस कन्वीन जब हुई है तब से 6 वीक्स के अंदर अंदर ये देखा जाएगा। ठीक। कई बार सवाल ऐसा भी बन के आ सकता है कि मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है। देखिए, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ से ज्यादा नहीं, और प्लस 6 वीक्स है ही, यानी कि 7.5 महीने का मैक्सिमम इसमें इसकी लाइफ हो सकती है। एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? 7.5 मंथ, 7.5 महीने, राइट? तो ये स्टोरी है। अब जरा हम लोग कूपर केस 1970 एंड एके राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 देख लेते हैं। इसमें बहुत ही अहम डिसीजंस निकल के आए रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया था 1970 में कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हुई है, ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो ये सेटिस्फेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है ये पर्सनल नहीं है, है ना, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, राइट? कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटिस्फाइड है, वो लीगल एड एंड एडवाइस करते हैं, तो उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है, राइट? उसके बाद है एके राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए कि ऑर्डिनेंस जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू होगा भी, है ना, इट इज जुडिशियल रिव्यू। किन ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइडे। मैलाफाइडे ऑपोजिट ऑफ बोनाफाइडे। बोनाफाइडे होता है गुड फेथ, ये है इन बैड फेथ। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है ऑर्डिनेंस का। मान लीजिए अभी की करंट गवर्नमेंट ने सिटिंग नहीं है, पार्लियामेंट्री सेशन नहीं है, फिर ये एक ऑर्डिनेंस ले आए, तो आप कोई भी पिटीशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और इसके जुडिशियल रिव्यू की बात कर सकते हैं। लेकिन किन ग्राउंड्स पे? बैड फेथ ग्राउंड्स में, यानी कि गवर्नमेंट का फेथ सही नहीं है, मैल इंटेंशन है, इंटेंशन सही नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में, उस ग्राउंड्स पे ये मतलब पिटीशन फाइल की जा सकती है। लेकिन ये जो पिटिशनर है, ये पिटिशनर की जिम्मेदारी होगी, पिटिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोली प्रूव करना, पेटिशनर को प्रूव करना होगा कि बैड फेथ था, राइट? कि गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जो है वो बैड फेथ में लेके आए, ये इनको प्रूव करना पड़ेगा। सो दिस इज प्रीटी मच इट। दूसरा, एके राय केस में ही ये पता चला कि जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, देखिए अभी मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा सेशन चल रहा है, तो प्रेसिडेंट है, उन्होंने राज्यसभा को प्रोरोग कर दिया, ये इनके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में है कि ये किसी एक हाउस को रोक सकते हैं ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए। प्रोरोग मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोरोगेशन का मतलब है बंद करना, तो उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसको बंद कर सकते हैं। क्यों? अब देखिए, क्योंकि इमरजेंसी अगर आई और राज्यसभा में इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी ही नहीं, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो इमीडिएट एक्शन जिसको चाहिए, लेकिन राज्यसभा में गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली राज्यसभा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करेगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? राज्यसभा को प्रोरोग कर सकते हैं बीच में और ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो कंटिंजेंसीज और इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, ये बताया गया एके राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ये भी पता चला। ठीक है, उसके अलावा अगर देखिए, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप रिप्लेस नहीं करते हैं एक्ट से, है ना, अगर आपने देखिए 6 वीक्स के अंदर अंदर रिप्लेस नहीं किया किसको, ऑर्डिनेंस को,
किससे? बाय बाय ऑर्डिनेंस को आप किससे रिप्लेस ने बाय एन एक्ट, तो फिर वो ऑर्डिनेंस डेड हो जाएगा, डाइस, दैट ऑर्डिनेंस डाइस, राइट। अगर फिर भी एक्ट नहीं आए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ स्टिल एक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, या हम यूं बोलें ए रिप्लेसिंग एक्ट फॉर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए अगर कोई एक्ट नहीं बना है तो, और 6 वीक्स हो गए है ना, 6 वीक्स होने वाले हैं, विद इन सिक्स वीक्स है ना, सेशन चालू है, 6 वीक्स शुरुआत से लेके होने वाले हैं, लेकिन डिसीजन नहीं हो पा रहा, बार बार विपक्ष हंगामा कर रहा है या फिर राज्यसभा पास नहीं कर रही है, जो भी है, तो रीप्रोमलगेट किया जा सकता है, ठीक है, इसको वापस से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, रीप्रोमलगेट किया जा सकता है ऑर्डिनेंस को, फिर अगले सेशन में, अगले जॉइंट सेशन के, अगले सॉरी जॉइंट सेशन बोल रहा हूं, अगले पार्लियामेंट की सिटिंग के 6 वीक्स के अंदर फिर भी नहीं होता, फिर रीप्रमलगेट हो सकता है, इसका मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको रीप्रमलगेट किया जा सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स। एंड एज रिसेंट एज बिहार की बात करें, बिहार में 256 से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस को रीप्रमलगेट किया गया, जिनमें से 60 गवर्नर द्वारा, स्टेट ऑर्डिनेंसेस है ना, गवर्नर जैसा प्रेसिडेंट, आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 123 है, वैसे ही गवर्नर के लिए 213 है, और ये स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, जिसमें 69 ऑर्डिनेंसेस ऐसे थे जिसमें प्रेसिडेंट को इसके बारे में खबर भी नहीं थी, तो ये 1980s में ये चला था, और ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम ही था। आप देखेंगे लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस, इसको भी 4 times रीप्रमलगेट किया गया है ना, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या भी है एक तरीके से, क्योंकि आप देखें कि यहां पे जुडिशरी कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बार बार रीप्रमलगेट करना रीप्रमलगेटन ऑफ प्रमोगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ये किसके बराबर है, ये है बायपासिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है ना, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, उसको बार बार क्या किया जा रहा है, बायपास किया जा रहा है ऐसी कंडीशन में, ठीक है, और ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो सबसे बड़ा फ्रॉड आप कर सकते हैं वो है ऑर्डिनेंस लाइए, रीप्रमलगेट करते रहिए, आप जो सेट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहे लॉ बनाने के लिए, बार बार उसी को लेके चलते चले आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर जुडिशियरी की बात करें, तो जुडिशियरी ने कुछ इसमें रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश किए, पहला इन्होंने जुडिशियल रिव्यू दे दिया है, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो जुडिशियरी यहां पे प्रोएक्टिवली ऑर्डिनेंस को लुक ओवर कर रही है, तो ये एक चीज है ना। उसके बाद एक प्रोविजन ये भी है कि जिस समय, देखिए ऑर्डिनेंस पास हुआ और अब क्या हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, सेशन स्टार्ट हो गया, अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको बिल से रिप्लेस करें, तो उसके लिए एक बिल आया, उस बिल को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, इंट्रोड्यूसिंग बाय ए मिनिस्टर, मान लीजिए एक मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो भी मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी एमपी उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको, कंसर्न मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन द नीड फॉर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या आन पड़ी थी, आपको ये समझाना पड़ेगा, ये भी एक प्रोविजन है, राइट। सो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि एक तरीके से बाइंडिंग कर देते हैं किसके ऊपर, जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, कि आप ऑर्डिनेंस ला क्यों रहे हैं, राइट। और देखिए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ऑर्डिनेंस लाना बुरी चीज नहीं है, ऑर्डिनेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, एक बार रीप्रमलगेशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, लेकिन बार बार अगेन एंड अगेन रीप्रमलगेट करना, उसको बार बार उसी को पास करना, बिल से रिप्लेस ना करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक फ्रॉड है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसे इमीडिएटली बंद किया जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एंड आशा करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज जाइए देखिए, एंड जितना हो सके दिल खोल के शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं तो। हम ऐसे ही वीडियोस अमेजिंग लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।